सीधे रास्ते पर से नीचे गिरना निराशा और रिजेक्शन जैसी फील देता है। कुछ लोग डरते हुए संतोषजनक रिश्ते बनाते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों का अच्छा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? यह केवल लोगों की मानसिकता के कारण है। नैरो माइंडेड लोग नकारात्मकता और निराशायुक्त थिंग्स को ही देखते हैं। उनके अंदर समस्याएं हल करने की कोई उम्मीद नहीं होने के साथ वो बदला लेने की भावना रखते हैं। उनके लिए बदला ही एक तरीका होता है जिनसे वह छुटकारा पा सकते हैं। उन्हें लगता है कि जब वो किसी को निराश करते हैं तो लोगों के बीच उनकी वैल्यू पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वही दूसरी ओर ग्रोथ माइंडेड लोगों के लिए यह समझने, क्षमा करने और जीवन के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचना ज्यादा मायने रखता है। उन्हें रिजेक्शन या उन्हें कोई इग्नोर करे ऐसी थिंग से कुछ भी ऐसा वैसा महसूस नहीं होता और वह सबके साथ हमेशा एक तहजीब से पेश आते हैं। नैरो माइंडेड लोग अक्सर बहुत महंगी चीजें बनाने या अपने संबंधों में एक माननीय यानी कि अपने आप को हाई दर्जे का दिखाते रहते हैं। एक निश्चित मानसिकता के साथ लोग आमतौर पर दूसरों के चरित्र की खामियों को ढूंढते रहते हैं और अक्सर हर जगह कमियां निकालते रहते हैं। उनके लिए अपने आप को कठिन बनाना, माफी मांगना, ये सब गलत लगता है। उन्हें यह सब एक गुनह की तरह लगता है। एक निश्चित मानसिकता वाले लोगों के लिए दूसरे लोगों पर आरोप पड़ना भी बहुत आसान होता है। अपनी मानसिकता के अनुसार जीवन में हर कठिनाइयों के साथ साथ बिगड़ते रिश्ते के लिए कोई ना कोई और ही जिम्मेदार होता है। वही दूसरी ओर ग्रोथ माइंडेड लोगों में सही गलत देखने और उन्हें समझने का गुण होता है कि जरूरत पड़ने पर वास्तव में कौन गलती करता है और उनके लिए कौन सा हल करना सही होता है। दोस्ती और रिश्तों में ग्रोथ माइंडेड लोग दूसरों की काबिलियत को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। उनकी सही या गलत कोई भी बातचीत से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता। उन्हें नए लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करना, नई चीजें सीखना वगैरह उनको और भी मोटिवेट करता है। अगर हमें अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेशंस में अपने आप को बेहतर साबित करना है तो ग्रोथ माइंडेड पर्सन बनना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसलिए हर जगह हमें ग्रोथ वाला माइंडसेट ही रखना होगा। गुड फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स डू नॉट अराइज बिफोर हैंड बट दे आर बिल्ट विद द ग्रोथ माइंडसेट एंड गुड कंडक्ट।